नमस्कार साथियों, दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जो है रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन में रीजनिंग का जो योगदान रहने वाला है वो सर्वोच्च रहने वाला है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आज हम लोग जो रीजनिंग में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। एक बार फिर से वो समय आ गया है और फिर से हम जो है थोड़ा सा एबीसीडी को पढ़ने वाले, लेकिन ये जो हम एबीसीडी को पढ़ेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स को, ये थोड़ा सा अलग लेवल का होगा। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है एबीसीडी ई एफ जी एच, इसमें मैंने नंबरिंग भी किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर इस नंबरिंग को आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका समय बचेगा। अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं तो भैया आप लिख करके ऐसे जो है तब भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे M तक लिखा है, M के बाद जो है मैं यहाँ पे N से प्रारंभ कर दिया हूं। मतलब आप जब एबीसीडी लिखते होंगे तो एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल M के बाद फिर N यहाँ पे आप लिखते होंगे, लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा है? कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं कि चार ऑप्शन दे देगा इस तरीके से, ठीक है, और इन चारों ही ऑप्शन में जो है कुछ इस प्रकार से होगा ई वी जी टी एच एस और जे पी, बोल देगा इनमें से भिन्न कौन सा है। तो अगर आप ई वी को देखेंगे तो ई के जस्ट नीचे वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ये सही है। अब अगर आप जी टी को देखेंगे तो जी के नीचे टी आ रहा है कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप H और S को देखेंगे तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, लेकिन जब आप J और P को देखेंगे तो ये देख रहे हैं अपोजिट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये जो है सबसे भिन्न हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस तरीके से जब आप लिखे रहेंगे, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी जो है लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक तरीका और है इसको याद करने का, ई जो टी। ई पांच होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का आपका होता है 25। तो अगर आपको बीच बीच में ये पांच पांच के गैप वाले अगर याद रहेंगे ना, तब भी आपको इसके आसपास वाला जो है याद नहीं करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ई जब आपको पांच याद है तो आप जानते हैं कि ई कब आता है, डी के बाद आता है, तो डी का 4 आपको याद नहीं करना है। ई के बाद एफ आता है तो एफ का यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे जे का आपका क्या है, 10 है, तो जे के पहले क्या आता है, जे के पहले आपका क्या आता है, तो आप कहेंगे सर आई आता है। जे के पहले क्या आता है, आई आता है, तो आई का 9 हो जाएगा। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आएगा के, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इजोटी के माध्यम से भी जो है याद कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम थोड़े से कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे अगर इतना आसान तो पूछेगा नहीं, लेकिन बेसिक आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछ दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से चौथा जो अक्षर है या चौथा अल्फाबेट है वो कौन सा है, बोल देगा इंग्लिश अल्फाबेट में आपके बाएं से जो फोर्थ अल्फाबेट है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो आपके बाएं से, अब ध्यान दीजिएगा, हमको ऐसे खड़ा होकर बाया नहीं देखना है, हमको इसकी तरफ खड़ा होकर बाया देखना है। तो बाया हमारा ए होगा, बाया क्या होगा, ए होगा। तो अल्फाबेट, ई फॉर इंग्लिश, ए फॉर अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, या फिर इंग्लिश अल्फाबेट में आपके बाएं से, आपके बाएं से चौथा अल्फाबेट, यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा अल्फाबेट कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे डी। अगर बोलता कि आपके बाएं से सातवां अल्फाबेट कौन सा है, तो आप क्या बताते, जी बता देते हैं। सातवां क्या है, जी। अगर बोलता कि आपके बाएं से तेरहवां कौन सा है, तो आप क्या बताते, एम बता देते हैं। अगर आपसे बोलता कि आपके बाएं से, ठीक है, अगर ये बोल देता कि आपके बाएं से सत्रहवां कौन सा है, तो भैया आप क्यू बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्यू बताना ये नहीं कि 13 के बाद फिर आप यहां 26 से ऐसे चले गए। अरे भैया ये तो मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको अपोजिट वाला, उसके अनुसार मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर जब आप इसको खोलेंगे, जब इस चैन को जब आप पूरा ओपन करेंगे, जब इसको खोलेंगे, प्रसार करेंगे इसका, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिए अंत में यहां पे जेड होगा। तो
ऐसे फैलाना है ना, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है कि जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि इनमें से कौन सा भिन्न होगा, तब वहां पे जो है इस तरीके से अगर आप लिखे होंगे तो आपको अगर नहीं भी याद रहेगा, दिमाग पे नहीं भी जो है कि समझ में आएगा, तब भी आप जो है एक बार इस पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से अगर आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से बोल देता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपके दाएं से थर्ड, ठीक है, थर्ड अक्षर कौन सा है, ठीक है। अब यहां पे बोल दिया कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपके दाएं से तीसरा अक्षर पूछ रहा है, तो अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से जब हम लिखते हैं और फिर यहां पे हम लिख देते हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिखेंगे, बीच में मान लीजिए अन्य जितने भी अक्षर है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपके दाएं से, तो भैया दाया तो ये हुआ ना, अगर बाया बोलता तो हम ए से लेते, लेकिन बोल कहां से रहा है, आपके दाएं से, तो भैया मेरे दाएं से कौन सा अक्षर पूछ रहा है, तीसरा, तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, पहला जेड, दूसरा वाई, तीसरा एक्स, तो तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे एक्स, ठीक है, और एक्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आपको बाएं दाएं समझना है, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता है, इतना हलवा प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसको बताने का जो मेरा मकसद है वो है कि आपको दायां बायां समझ में आ जाए, बहुत सारे बच्चे दायां बायां में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे अगर आपसे पूछ देता है, ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, आपके बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा है, जो छठवां अक्षर है वो पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो बाया हमारा कहां से प्रारंभ होगा, बाया हमारा ए से प्रारंभ होगा, अब ए से बोल रहा है कि पांचवें अक्षर के दाएं, मतलब कि पांचवां अक्षर जो होगा, पांचवां अक्षर हमारा क्या है, ई है, अब इसके दाएं, ई का दाया कौन सा होगा, ई का बाया डी होगा, लेकिन दाया हमारा इधर होगा, तो ई के दाएं छठवां अक्षर, ई के दाएं, ई के दाएं मतलब कि एफ हमारा पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जी, तीसरा हो जाएगा एच, चौथा हो जाएगा आई, और पांचवा हो जाएगा जे, और छठा हो जाएगा हमारा के, तो छठा अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे के, लेकिन भैया ऐसे करोगे ना तो कसम बता रहे हैं आपको संतुष्टि तो मिलेगा, क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि टाइम बहुत ले लोगे, कुछ नहीं करना। जब देखिए कि आपके बाएं से बोल रहा है, आपके बाएं से पांचवें अक्षर है ना, पांचवें अक्षर के दाएं, तो भैया बाएं से जब प्रारंभ होगा तो ये किधर जा रहा है, दाएं की ओर जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, ये पांच और छह को जोड़ देना है, हो जाएगा कितना, ग्यारह। अब ग्यारहवां देख लेना है किसका होता है, ग्यारह किसका होता है, तो आप बताएंगे सर के का, ठीक है, के का। अच्छा इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि पांचवें अक्षर से दाएं, यहां पे मैं लिख दूं से दाएं, यहां पे मैं के की जगह पे से लगा दूं, तब आप क्या जवाब देंगे, तब के मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, पांचवें अक्षर से दाएं जब बोलेगा ना तो हम पांचवा अक्षर को भी काउंट करेंगे, जैसे पांचवा अक्षर हमारा ई है ना, अगर बोल देगा कि पांचवें अक्षर से, ठीक है, पांचवें अक्षर से दाएं छठवां अक्षर, तो पहला अक्षर ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, तब यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, अगर के बोलेगा, अगर पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, तो पांचवें अक्षर के अगर लगा दिया से की जगह पे, ये जो से है अगर इसकी जगह पे के लगा है तो हमको ये जो पांचवा अक्षर है इसको छोड़ के काउंट करेंगे, लेकिन अगर के की जगह पे से लगा हुआ है तो हमको इसको भी काउंट करना है, तब एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक कुछ फंडा है इसको आपको समझना पड़ेगा, बच्चे ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि इसमें
कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये जो के और से है इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलिए अगला टाइप का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगर आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, ये हमने बाएं से देखा था, अब अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, पांचवें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इसमें बोला अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से पांचवां अक्षर, ठीक है, के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पे बोल क्या दिया है, आपके दाएं से। अब जब हम लिखते हैं ए से जब हम प्रारंभ करते हैं तो यहां पे हमारा वी एक्स वाई जेड, तो दाया हमारा जेड से प्रारंभ होगा ना, दाया हमेशा जेड से प्रारंभ होता है, बाया हमेशा ए से प्रारंभ होता है। तो इस समय आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा दाया कहां से शुरू होता है, जेड से बोल रहा है कि पांचवें अक्षर, एक दो तीन चार पांच, पांचवें अक्षर के बाएं मतलब इधर ही जाना है, ठीक है। चलिए ऐसे बताते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए, अब समझ में आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से पांचवा अक्षर, एक दो तीन चार पांच, पांचवा अक्षर के बाएं, तो भैया वी के बाएं इधर आएगा ना, के बाएं, के लगा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे के लगा है, तो हम वी को छोड़ के काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, तो छठवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे के की जगह पे से रहता तब आप क्या करते, अगर यहां पे के की जगह पे से रहता तब आप क्या करते हैं, तब हम वी को भी काउंट करते हैं, है ना। पांचवा अक्षर हमारा ये है पांचवा, ठीक है, फिफ्थ अल्फाबेट जो है वो हमारा वी है, और जब इसके आगे पांचवें अक्षर से लगा रहेगा ना तो हम इसको भी काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, तो छठवां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब से लगा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, आप कहेंगे सर के दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों, बस इसी को समझना है, जो गलती आप लोगों ने 17 और 18 की परीक्षा में किया है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो गलतियां आप लोग दोहराएं, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों के साथ मैंने भी ये प्रण लिया है कि मैं भी उसी प्रकार से मेहनत करूंगा जैसे कि मेरा भी एक बार फिर से री एग्जाम हो, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा के पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस कारण से मैं आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पा रहा था, मुझे टाइफाइड हो गया था, और इसी वजह से मैं जो है उस समय कैसो करके बस आपके लिए एक मोटिवेशनल टाइप वीडियोस लाता था और स्ट्रेटेजी वीडियो ला पाता था, वो भी बहुत मुश्किल से। चलिए दोस्तों, अगला अगर कुछ इस तरीके से आपसे पूछ दे, अच्छा इसी प्रश्न को आपको कैसे करना है, पांच और छह को जोड़ दें, पांच और छह को जब आप जोड़ देंगे, पांच और छ, पांचवा अक्षर छठवां अक्षर इनको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस 11, 11वां अक्षर कौन सा हो गया, पी हो गया। तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं गिनना चाहते हैं एक एक करके तो डायरेक्ट बस इनको जोड़ दें, बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि दाया बाया ये क्या बोल रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन में फिर से एक बार लिख देता हूं इसको, ठीक है, क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के ठीक बीच में, अक्षर के एंड एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब जरा मुझे यह बताइए कि जो के और एस है, ठीक है, के और एस, के का जो नंबर होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे सर 11,
के का नंबर कितना होता है 11 और एस का नंबर कितना होता है दोस्तों, एस का नंबर होता है 19। कितना होता है एस का नंबर होता है 19। अब कह रहा है इनके ठीक बीच में कुछ नहीं करना, ये जो 11 दिख रहा है ये जो 19 दिख रहा है पहले आपको इसको जोड़ लेना है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 30, ठीक है। और 30 को आपको भाग दे देना है 2 से। क्यों 2 से भाग देना है, क्योंकि बोल रहा है ठीक बीच में, ठीक बीच में बोल रहा है, इसलिए हम 2 से भाग दे रहे हैं। जब 2 से आप इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 15। अब जरा मुझे ये बताइए कि 15 किसका नंबर होता है भैया, 15 15वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट होता है, तो आप बताएंगे सर 15वें नंबर पे होता है ओ, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में इतना रहने देते हैं आगे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 9वें और बाएं ओर से 6वें अक्षर, ठीक है, आपके दाएं से 9वें और, ठीक है, आपके दाएं से 9वें और बाएं से 6वें अक्षर, दाएं से 9वें और बाएं से 6वें अक्षर के बीच में पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 9वें नंबर, तो भैया दाया हमारा जेड से प्रारंभ होता है ये भूलिएगा नहीं, तो दाया से हमारा 9वां नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां नंबर हमारा क्या हो गया आर हो गया, तो आर का नंबर कितना आप कहेंगे सर 18, ठीक है। फिर कह रहा है और बाएं से 6वें अक्षर के बीच में, बाया हमारा कहां शुरू होता है ए से, तो 1 2 3 4 5 6 कौन सा हो गया भैया, 6 नंबर पे कौन आ रहा है एफ आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इनके ठीक बीच में, तो 6 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 24, 24 को जब 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 12। अब जरा मुझे ये बताइए कि 12 किसका होता है, तो आप कहेंगे सर 12 जो है वो एल का होता है, 12 किसका होता है, तो 12वें नंबर पे आपका अल्फाबेट कौन सा आता है, तो एल आता है, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा टाइप को बदलेंगे, अब थोड़ा सा टाइप जो है वो चेंज करना होगा मुझे, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है हम क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यहां पे एक शब्द जोड़ दे विपरीत क्रम में, आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं ओर पांचवां अक्षर कौन सा होगा, पांचवां अक्षर पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, मतलब अगर हम सही क्रम बताएं तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आई एल एम एन ओ की क्यू पी आर एस टी यू वी डब्ल्यू एस वाई जेड, ये हमारा सही क्रम होगा। लेकिन जब हम विपरीत क्रम बोलेंगे दोस्तों, तो विपरीत क्रम हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी, ठीक है, एफ ई डी सी बी और उसके बाद अंत में ए, ये हमारा विपरीत क्रम हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से हमारा बाया कौन सा हो जाएगा भैया, बाया अब बदल गया, अब बाया बदल गया, अब बाया ए नहीं है, अब बाया हमारा क्या होगा जेड होगा, ठीक है। और दाया हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर दाया ये होगा, ठीक है। अब हमारा जो क्रम है वो बदल गया है, बाया ये हो गया, ठीक है, बाया ये हो गया और दाया ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि आपके बाएं से 10वें अक्षर, आपके बाएं से 10वां अक्षर भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर क्यू, क्यू ये हमारा क्या है 10वें नंबर पे आ गया है, ठीक है, 10वें अक्षर के दाएं ओर, 10वें अक्षर के दाएं ओर भैया ये जो 10वां अक्षर है इसके दाएं ओर कौन सा हो जाएगा, तो 1 2
ठीक है, से नहीं ना लगा है, नहीं के लगा है दसवें अक्षर के, तो क्यू को हम छोड़ के गिनेंगे पांचवा, एक दो तीन चार पांच, तो ये हमारा पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा भैया, एल, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, देखिए ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके बाएं से मैंने इसका क्रम बदल दिया है अंग्रेजी वर्णमाला का, अब जेड से प्रारंभ कर दिया है, ए गया किनारे, अब देखिए कह रहा है कि बाएं से दसवां अक्षर, बाएं से दसवां अक्षर भैया क्यू आ गया, ठीक है, अब कह रहा है क्यू के दाएं ओर, अच्छा यहां पे के लगाया है तो हम क्यू को नहीं गिनेंगे, अगर यहां पे से लगाया रहता तो हम क्यू को भी गिनते और हमारा आंसर एम आता, एक कम आता है, ठीक है, लेकिन ये हमको के बड़ा ध्यान देना है कि दसवें अक्षर के जिस अक्षर को बोल रहा है, जिस अक्षर से दोबारा काउंट कर रहा है, हमको ध्यान देना है कि के लगा है कि से लगा है, अगर के लगा है, अगर के लगा है तो हमको उस अक्षर को छोड़ करके बताना है, मतलब आगे का गिनना है, अगर से लगा है तो उस अक्षर को भी काउंट करना है, लेकिन यहां पे दसवें अक्षर के लगा है तो दसवां अक्षर क्यू है, इस क्यू को छोड़ करके हम गिनेंगे, एक दो तीन चार, पांचवा अक्षर जो है हमारा एल आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आप बताएंगे सर, एल, क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। चलिए यहां पे हमारा ये समाप्त होता है दोस्तों, अब जो है बहुत अधिक टाइप के प्रश्न नहीं रह गए हैं, ये बड़ा ही छोटा सा हमारा एक टॉपिक था और बहुत ही बेसिक आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमको रीजनिंग पढ़ना है तो इन सब चीजों को हमको बहुत अच्छे से जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं ओर से, तो आपके दाएं ओर से, ठीक है, आपके दाएं ओर से दसवें अक्षर के दाएं ओर, आपके दाएं ओर से दसवें अक्षर के दाएं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, जो पांचवा अक्षर है वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं ओर से दसवां अक्षर के पांचवा, दसवें अक्षर के दाएं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो अर्धांश ये बीच में एक शब्द यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि प्रथम अर्धांश, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया और ये हमारा द्वितीय अर्धांश हो गया, ठीक है, प्रथम अर्धांश हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल एम M तक होगा, ठीक है, और जो द्वितीय अर्धांश होगा वो होगा N O P Q R S T U V W X Y Z, तो कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, मतलब भैया ये जो A से शुरू हो रहा है ना इसको बदल दीजिए आप, M से शुरू करिए, M M L K J I H G F इस तरीके से, चलिए ये इसको बदल देते हैं, सबसे पहले यम, यम के बाद क्या आ जाएगा L, फिर K आ जाएगा, फिर J आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर H आएगा, फिर G, फिर F, फिर E, D, C, B और A, समझ में आ रहा है, ये मैंने क्रम बदल दिया, अब यहां से हमको वैसे ही रहने देना है, यहां से हम वैसे ही रहने दें, जो द्वितीय अर्धांश है उसको आपको वैसे ही रहने देना है, N O P Q R S T U V W X Y Z, इसको वैसे ही रहने देना, ठीक है, चलिए, या फिर आप इसको पूरा अगर खोलना चाहते हैं तो यहां से ऐसे लिख दीजिए, A के बाद N कर दीजिए, O P Q R S T U भी W X Y Z, पूरा मैंने खोल दिया, ये लो भाई। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन की ओर, अब हम देखते हैं कि आपके दाएं ओर से, हमारा दाया कहां से शुरू होगा, दाया हमारा Z से शुरू होगा, ठीक है, कह रहा है कि आपके दाएं ओर से दसवें अक्षर, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दसवां अक्षर, ये कौन सा अक्षर हो गया भैया, दसवां अक्षर के दाएं ओर, ध्यान दीजिएगा दसवें अक्षर के दाएं ओर जो है पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है ना, इसमें बोला क्या है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में बदल दिया जाए, मैंने बदल दिया, उसके बाद कह रहा है कि आपके दाएं ओर से, कह रहा है आपके दाएं ओर से दसवें अक्षर के दाएं ओर, तो दसवां अक्षर भैया हमारा ये क्यू हो गया, दस हो गया, दसवां का जो है दाएं ओर कौन सा हो जाएगा, पांचवा अक्षर, एक दो तीन चार पांच, तो पांचवा अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर
वी क्या हो जाएगा, वी जो है हमारा सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे अगर आपसे एक एक इस तरीके से प्रश्न पूछ दे कि अभी यहां पे बोला था प्रथम अर्धांश, अब यहां पे बोल सकता है कि द्वितीय अर्धांश को, यहां पे प्रथम की जगह पे अगर मान लीजिए यहां पे लिख दिया कि द्वितीय, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से दसवें अक्षर के, आपके दाएं से दसवें अक्षर के दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमको क्रम तो बदलना पड़ेगा, अब द्वितीय अर्धांश को बदलना है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया। सॉरी, द्वितीय अर्धांश हमारा एन के बाद बदल जाएगा ना, एन के बाद हमारा द्वितीय अर्धांश बदल जाएगा, यानी कि जेड से शुरू हो जाएगा, एम के बाद जेड आएगा, फिर वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ और एन, इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, मैंने द्वितीय अर्धांश, ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया और ये हमारा द्वितीय अर्धांश हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया आपके दाएं ओर से दसवां अक्षर, मेरे दाएं ओर से दसवां अक्षर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दसवां अक्षर कौन सा होगा भैया, डब्लू, दसवां अक्षर कौन सा हो गया, डब्लू हो गया। आप कह रहा है कि ये जो दसवां अक्षर है उसके दाएं ओर, पांचवां अक्षर इसके दाएं ओर, एक दो तीन चार पांच, ये पांचवां अक्षर हो गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, पांचवां अक्षर ही पूछ रहा है तो पांचवां अक्षर क्या हो जाएगा, आर, पांचवां अक्षर कौन सा होगा तो आर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और यहीं पे जो है हमारा ये टाइप का जो प्रश्न है वो समाप्त होता है। अब हमारा एक आखिरी टाइप का प्रश्न बचा है दोस्तों, जो कि अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से बोल देगा आपसे, क्वेश्चन इस तरीके से बोल देगा कि कोई शब्द दे देगा, बोल देगा शब्द टेली फोन। ठीक है, बोल देगा शब्द टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं, जिनके बीच यहां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी लिख लीजिएगा, जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं। ठीक है, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। ठीक है, चलिए, अब बोल रहा भैया एक वर्ड दे दिया है टेलीफोन, टेलीफोन की जो स्पेलिंग होती है आपको लिख लेना है, इस तरीके से लिखा लिखा यहां पे दिया हुआ है, बोल रहा है कि इनके जो अक्षर युग्म है, इनमें कितने ऐसे अक्षर युग्म है, अक्षर युग्म का मतलब जोड़ा, अक्षर युग्म का मतलब जोड़ा, अल्फा ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में मौजूद है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर मैं बोलूं आपसे कि भैया जो ए है और डी है इसके बीच में कितने अक्षर मौजूद हैं, तो आप कहेंगे सर दो, कैसे, ए और डी के बीच में कितने हैं, एक दो, दो ही तो मौजूद है। अगर मैं आपसे बोलूं भैया बताओ एफ और एच के बीच में कितने अक्षर मौजूद हैं, तो आप कहोगे सर एक, कैसे, एफ और एच के बीच में केवल जी मौजूद है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको देखना है कि इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की इस अल्फाबेट्स का जो हमारा ये वर्णमाला है अंग्रेजी वर्णमाला उसमें मौजूद होते हैं। जैसे अब हमको गिनना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चलिए आइए, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अब जैसे हम इसको गिनते हैं, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आपका यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी खत्म, पहला वाला खत्म। अब ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के एल, ये भी खत्म। एल के बाद क्या आता है, एल एम एन ओ पी क्यू आर,
ये भी खत्म। ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई जे, ये भी खत्म। अब पी के बाद देखिए, पी पी क्यू आर एस टी, ये भी खत्म। अब एच को देखिए, एच आई ओ सॉरी एच आई जे के, ये भी खत्म। ओ पी क्यू, ये भी खत्म। एन ओ, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, ई के बाद तो कुछ है ही नहीं। अब जब हमने एक बार सीधा गिन लिया ना, तो अब एक बार उल्टा भी गिनना है, कैसे आइए देखते हैं। ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच, ठीक है, तो ई और एच मिल गया एक, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, चलिए इनका काम खत्म। एन ओ एक और मिल गया भैया, एन के बाद ओ एक और जोड़ा मिल गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये भी खत्म, एन का भी खत्म हो गया। ठीक है, एन का भी खत्म, ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये भी खत्म, ओ का भी खत्म, एच, ठीक है, एच आई जे के एल एम, ये भी खत्म। पी पी के बाद क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आर एस टी, यानी कि एक और मिल गया, पी और टी, मिला कि नहीं मिला। पी और टी के बीच में देखिए कितने हैं, एक दो तीन, और यहां पे देख लीजिए पी और टी के बीच में कितने हैं, एक दो तीन, देखा ना, तीन तीन दोनों में समान है, यही पूछ रहा है, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखिए ई के बाद ई एफ जी एच, ये भी खत्म। एल के बाद देखिए के एल एम एन, खत्म। अब ई के बाद देखिए ई एफ, खत्म। टी के बाद तो कुछ है ही नहीं, खत्म। तो हमको कितने ऐसे युग्म मिले, कितने ऐसे जोड़े मिले, तो आप कहोगे सर एक दो तीन, तीन जोड़े मिले, और यही तीन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका कोई ट्रिक है तो मैं बता दूं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको गिनना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा रहा था, अन्यथा मैं डायरेक्ट ऐसे करता कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस तरीके से गिन के फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा गिनना पड़ता भैया, टाइम टेकिंग तो है, लेकिन हाँ नंबर श्योर है इसमें। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आपके पास समय बचा रहा है तब इस तरीके के प्रश्नों को करना है। ठीक है, जब आपके पास समय बचा रहा है तभी आप इन प्रश्नों को करें, अन्यथा आप देख सकते हैं कि जैसे इस समय क्या है ना, नंबर ऑफ ये जो अक्षर है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ये वर्ड थोड़ा सा लंबा हो गया, कभी कभी छोटा वर्ड दे देता है। जैसे आपसे इसका भी पूछ सकता है कपल, चलिए ये होमवर्क है, कपल इसमें कितने अक्षर युग्म बनेंगे, इसमें टोटल जो है कितने अक्षर युग्म बनेंगे, आप हमको जो है कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था और ये जो हमारा आज का चैप्टर था आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है, मात्र एक वीडियो में एक चैप्टर समाप्त। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।